Hi friends, my name is Komal और मैं आपको आज ड्राइवर से इंट्रोड्यूस कराना चाह रही हूँ इसके ऑल रिव्यूज़ एंड अगर आपकी बात करते हो इसके रेट्स एंड प्राइस क्या रहेंगे कैसी रहेगी और क्या फीचर्स मिलने हैं अच्छे से आपको वो सारी चीज़ें मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊँगी आज. फर्स्टली आप गाड़ी देख रहे हो सामने खड़ी है जो हमारी रेनो ड्राइवर है. बेसिकली अगर आप इस गाड़ी की बात करते हो तो गाड़ी बहुत सुंदर है. आप अगर इसके डिज़ाइन की बात करते हो तो SUV डिज़ाइन में आपको ये दे रखी है. अगर आप इसमें देखेंगे ड्यूल टोन बम्पर्स दे रखा है. सिल्वर फिनिशिंग के साथ अगर गाड़ी की बात करते हो तो सिल्वर फिनिशिंग इसको और ज़्यादा स्पोर्टी लुक दे रही है. क्रोम ग्रिल मिल रही है इसमें आपको. प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स आपको दे रखी है जिससे और ये गाड़ी अच्छी लग रही है. इसके अलावा DRL ग्रिल क्रोम फिनिशिंग के साथ आपको दे रखी है. साइड से इसकी अगर आप डिज़ाइन की बात करें साइड की अगर आप पोशन की बात करें तो आपको 14 इंचज़ टायर साइज़ मिल जाता है जो रिम साइज़ आप बोल सकते हैं. 182 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिल जाता है इस सेगमेंट में. बेसिकली गाड़ी में स्पेसिस की बात करें तो स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है इसमें. आप अगर आप देखना चाहें तो काफ़ी अच्छा स्पेस है बिकॉज मैं बहुत कंफर्टेबल होकर बैठ रही हूँ. आप देख रहे होंगे मेरे लिए कितना अच्छा स्पेस है इसमें. आपको बेसिकली ये टॉप एंड मॉडल है RX-Z मॉडल है जिसमें आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं. अब बेसिकली बहुत लोगों को लगता है कि कर्टन एयरबैग्स है सो इसमें कर्टन एयरबैग्स नहीं है साइड एयरबैग्स आपको मिल रहे हैं. फर्स्टली आपको जो एक एयरबैग्स आपको यहाँ पे मिलेगा शो कर दूँगा ये आपको एयरबैग्स मिलता है. सो एंड आपको 2 यहाँ पे मिलते हैं 2 साइड एयरबैग्स मिलते हैं. फुट आपको टच स्क्रीन मिलता है 8 इंचज़ एंड AC के कंसोल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं. एंड अगर आप बात करते हैं आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल रहा है काफ़ी अच्छा है ये भी. एंड AC वेंट्स वगैरह आपको मिल रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छे से. और यहाँ पे आपको एक और चिलर का जो पॉइंट है वो भी आपको मिलता है. इसमें डुअल चिलर है यहाँ पे भी आपका एक चिलर आ जाएगा और एक अभी मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रही हूँ. बाकी पुश स्टार्ट बटन आपको यहाँ से मिलता है. एंड बेसिकली गाड़ी में काफ़ी अच्छा है सो आप देखना चाहें तो आपको पीछे का भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिल रहा है. इसमें आपको AC हर पिलर में मिलेगा. आपको B-pillar AC मिल रहा है. अगर आप देखोगे तो B-pillar AC आपको मिल रहा है. 4 स्पीकर्स आपको डोर पे ही मिल रहे हैं. दोस्तों देखिए स्पेस कितना अच्छा दिया है. मैं बहुत कंफर्टेबल होके बैठ रही हूँ. एंड आप यहाँ से सीटें एडजस्ट भी कर सकते हो. ऐसा नहीं है अपने अकॉर्डिंग जितना आपको अपना कंफर्ट जोन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो इसको. बेसिकली देखिए मैं आपको काफ़ी पीछे होके आराम से मैं किसी भी लॉन्ग जर्नी पे थक नहीं सकती हूँ अगर आप चाहेंगे. बाकी आपको छोटे छोटे अगर 31 यूटिलिटी स्पेसेस मिल रहे हैं इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें अच्छी है ये बात कि आपको. और डोर भी काफ़ी हैवी दिया है. अगर आप बात करेंगे तो इसकी डोर की तो डोर भी काफ़ी हैवी दे रखा है. आपको इसकी बिल्कुल नॉइस नहीं आएगी. रेनो ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि इनके डोर हमेशा हैवी दिए हैं. आपको पीछे वाइपर एंड वॉशर आपको मिल रहा है विद डिफॉगर मिल रहा है. स्पॉयलर मिल रहा है आपको. हाई माउंटेन स्टॉप लैंप मिल रही है जैसे आप पहाड़ों में सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट है. बूट स्पेस की बात करते हैं तो अभी इसमें जो बूट स्पेस है 7 सीटर बनाने के बाद 84 लीटर का बूट स्पेस बनता है. आपके लिए ऑप्शनल है कि आप ऊपर रूफ कैरियर लगा सकते हैं जिसमें आप 50 kg तक का वेट कैरी कर सकते हैं. 7 सीटर ये आपको मिल रही है काफ़ी आप देखेंगे. लेकिन आपको थर्ड रो में भी काफ़ी अच्छी सीटिंग कैपेसिटी मिल जाती है. अभी मैं आपको उसमें बैठ के भी दिखाऊंगी. दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं इसमें आपको ईगल बीक आपको टेल लैम्प मिल जाती है. इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो आपको ड्राइविंग साइड ही आपको जो फ्यूल का है फ्यूल आपको भराना है तो आप ड्राइविंग साइड से मिल ले साइड पर है सो वो भी आप देख सकते हो कि उससे आपको ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर कभी फ्यूल डालते हो तो आप देख सकते हो कि आपकी प्रॉपर रीडिंग चल रही है नहीं चल रही है उसके लिए भी है. बेसिकली अब मैं ड्राइविंग सीट पे जा रही हूँ. काफ़ी लोग ड्राइविंग सीट पे देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं. बेसिकली अगर आप ड्राइविंग सीट पर देखेंगे तो आपको पहले तो आप अगर देखेंगे तो आपको ब्रेक काफ़ी और क्लच हो गया सारी चीज़ें आपको सही लगेंगी एंड अपने एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अपनी सीट को. फुली LED आपको मीटर मिल रहा है. इस सेगमेंट में डिजिटल मीटर कहीं भी नहीं मिल रहा है किसी भी गाड़ी में. इनकी क्विड आती है क्विड के अकॉर्डिंग अलावा. इसके अलावा आपको अगर आप बात करते हो सामने आपको मैंने म्यूज़िक सिस्टम आपको दिखा रखा है. एयरबैग्स आपको यहीं पे मिल जाएंगे. और आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा आपको अगर ये है आपका हॉर्न काफ़ी अच्छा हॉर्न भी अच्छा है काफ़ी बढ़िया है. दोस्तों बेसिकली अगर आप देख रहे होगे तो इंजन की बात करते हैं 1.0 लीटर का इंजन दिया है
जो आपको एनर्जी इंजन दिया हुआ है इसमें ड्यूल वीवीटी के साथ। आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे ड्यूल वीवीटी है क्या। ड्यूल वीवीटी का मीन्स मैं आपको बता देती हूँ कि जो ड्यूल वीवीटी है वो आपके एयर को टेक और इनटेक करने का काम होता है, जो वॉल्व का होता है वो, उसके उसमें क्या है कि टाइमिंग आपका डबल कर देगा, जिससे पावर और पिकअप क्या होगा गाड़ी में ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप 7 सीटर अगर आप 7 लोग बैठ के भी जा रहे होगे तो ईजिली आप आराम से पहाड़ों में सफ़र कर सकते हैं। ओके स्टार्ट। दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं मैंने आपको, आई होप आपको गाड़ी बहुत पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर हम प्राइस टैग की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे प्राइस टैग दे रखे हैं इस टाइम पर रेनो की अगर बात कर रहे हैं तो। इसका जो बेस वेरिएंट है वो है 495 ex-showroom से स्टार्ट है, जो आज की डेट में हमारे पास आए हैं। इसके अलावा इसमें आपको 4 वेरियंट्स हैं तो 4 वेरियंट्स के मैं आपको रेट बता देती हूँ। चौथा आपका दूसरा वेरियंट आपका जो आएगा बेस से एक ऊपर RXL करके आ रहा है, जिसका 5.49 का ex-showroom है। उसके बाद आपका RXT मॉडल आता है जिसका प्राइस जो टैग दे रखा है वो आपको दे रखा है 5.99। एंड RXZ यानी कि जो मैं सामने आपको दिखा रही हूँ, इस मॉडल का प्राइस आपको विश्वास नहीं होगा कि कितना अच्छा आया है। इसका जो प्राइस है वो 6.5 लाख रुपये ex-showroom दे रखा है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा अफोर्डेबल कार आपको कहीं से नहीं मिलेगी, बिकॉज़ रेनो जो बोल रहा है कि 3 पिलर्स की अपनी बात करता है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, या फिर अट्रैक्टिव की बात कर रहा है, या फिर आप अफोर्डेबल कार बजट कार की बात कर रहा है, तो ऑफकोर्सली बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने अफोर्डेबल भी निकाली है। और मेरे हिसाब से अभी तक की कोई भी गाड़ी इसके कंपैरिजन में इतनी खरी नहीं उतरी है। अब देखिए आगे क्या रहता है इसका। बाकी अगर आपको अगर इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, नंबर वगैरह शेयर कर दूँगी, तो आप मुझे बताइएगा।